लेकिन जाना पड़ेगा बाबू, तुझको ऊटी जाना पड़ेगा। सिर्फ ट्रैफिक के धुएं में खो गए हैं। और ये ऊटी के पहाड़ों का पहला नज़ारा देख लीजिए। अब इमेजिन कीजिए कितनी हाइट पे मुझको जाना है, कितना ठंडा रहेगा वहाँ पर। ऑलमोस्ट 7000 फीट हाइट पर है, 6500 फीट हाइट पर है ऊटी। बाम्बू फॉरेस्ट देखिए, पूरा बहुत ही यूनिक फॉरेस्ट है, पूरा सिर्फ दोनों साइड में बाम्बू ही बाम्बू है। देखिए कितने सारे बाम्बू के झाड़ है यहाँ पर। आइडियल हैबिटेट है टाइगर को छुपने के लिए, बाम्बू के झाड़ों में है टाइगर प्रिफर करता है क्योंकि ठंडक रहती है उसके नीचे, इसीलिए टाइगर रिजर्व कहा जाता है बाम्बू मनाए को। ऊटी यहाँ से अभी 52 किलोमीटर बाकी है, लगभग 1.5 या 2 घंटे लगेंगे मुझको। ऊटी थैंक यू। ये है गुदलूर और ट्रैफिक से हमारी मुक्तता हो चुकी है। मैं खड़ा हूँ ऊटी के टी प्लांटेशंस के इधर। टी प्लांटेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है। टी प्लांटेशंस ऊटी के साउथ इंडिया के पूरे फेमस है, सभी जगह पे, केरला में, तमिलनाडु में। मैं रुका हूँ यहाँ पर एक सेल्फी लेने के लिए क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, थोड़ा ऊटी पहुँचने के लिए मुझको लेट हो जाएगा लेकिन चलेगा, मैं एक्सप्लोर करते करते ही जाने वाला हूँ। इसके लिए तो जल्दी निकला हूँ सुबह मुधुमलाई से। ऑसम फॉरेस्ट है, आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए मज़ा आया कि नहीं सच बताइए, अगर मज़ा आया तो ही कमेंट्स में कमेंट कीजिए। कि बहुत लोग फ्लाइट से या ट्रेन से ही जाते हैं,
लेकिन आप बाय रोड आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और मुझको तो निकलने का मन नहीं कर रहा इस जगह से, इतना ब्यूटीफुल जगह है ये, देखिए मेरे पीछे पूरा फॉरेस्ट है। तो चलते हैं भाइयों, अभी नीलगिरी फॉरेस्ट में थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, 3-4 सेल्फी ले लिए, और यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा बाबू, तुझको ऊटी जाना पड़ेगा। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है मुझको मालूम है, प्लीज़ हंसिएगा मत, लेकिन इस मौसम में गाने का मूड हो गया तो मैं क्या करूँ। मैं फॉरेस्ट और इन रास्तों का पूरा मज़ा लेकर मेरी बाइक चला रहा हूँ। और कुछ टी प्लांटेशंस का मज़ा लीजिए भाइयों, ये थोड़े ओपन में है, वो थोड़े से कवर्ड थे जो पहले वाले थे वो। Thank you.
यहाँ पर रुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी मैं खाऊंगा ऑमलेट ब्रेड और यहाँ से निकलूंगा। अभी ऊटी 20 किलोमीटर है यहाँ से। आंटी ऑमलेट रेडी हो गया जी? आंटी मुझको ऑमलेट ब्रेड बना के दे रही है। अभी खा के यहाँ से निकलूंगा थोड़ी देर में। और ऐसी ठंडी हवा में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। ठंडी हवा में ऐसे लोकेशन में अलग ही मज़ा आता है कॉफ़ी पीने का। बहुत ही प्यारा मौसम है और उन्होंने बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाया। थैंक यू। यहाँ पर भी एक पिकनिक पॉइंट है, वेललॉक डाउन्स नेचर ट्रेल, और शायद कोई ट्रैकिंग का ये है स्पॉट। मैं जाऊँगा नहीं ट्रैकिंग करने के लिए बिल्कुल भी। अभी ऊटी में रूम बुक करना है, अभी तक बहुत टाइम बाकी है। ये देखिए दोस्तों, मैं ऊटी पहुंच चुका हूं और ये ऊटी के स्टार्टिंग का कुछ रोड दिखाई दे रहा है, एक विलेज दिख रहा है। बहुत ही प्यारे जगह पे आ गया हूं मैं अभी। और GoPro बंद होने की वजह से मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा ऊटी का इस वक्त। बाकी मैं पहुँच गया हूँ ऊटी, GoPro अचानक से डेड हो गया है पूरा, जबकि मैंने चार्जर लगा के रखा है बैटरी चार्जिंग करने के लिए। आखिर में मुझको ऊटी में होटल मिल गया रूम। कम से कम 2.5-3 घंटा मेरा वेस्ट हुआ है यहाँ पर रूम ढूंढने में। आज वैलेंटाइंस डे होने के कारण से सब होटल्स फुल है, और अभी एकदम छोटा सा रूम मिला है मुझको सिर्फ 850 रुपीज़ में। वो भी लेक के सामने ही है बराबर, तो लकीली भगवान भी मिलता है ऐसा बोलते हैं। आखिर में मुझको रूम भी मिल ही गया। तो आपको एक छोटा सा टूर कर रहा था, देखिए मैं कितने छोटे रूम में रुका हूँ। 850 रुपीज़ का एक रूम है, मैंने 2 दिन के लिए बुक कर लिया, आज और कल के लिए। ये देखिए रूम का टूर, देखिए कितना छोटा रूम है। बस एक पैर रखते ही रूम ख़त्म हो जाएगी। बैग भी मेरा ऐसे नीचे पड़े हुए है। ये इतना छोटा सा रूम है। पहली बार मैं इतने छोटे रूम में रहा हूँगा शायद। बाथरूम है, बाथरूम में बोलता है खाली सुबह को पानी आएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन है बाथरूम, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ, अभी फ्रेश हो जाता हूँ। काम को फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फिर कल ऊटी में घूमने जाएंगे हम लोग, लेक व्यू देखेंगे। यहाँ से लेक है, ऊटी लेक है फेमस, कोई बोटैनिकल गार्डन है, वो भी स्टडी करेंगे, देखेंगे जाके। तो चलिए शाम को मिलते हैं खाना खाने के बाद। बाय, टेक केयर।